सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं लाया हूं एक न्यू वीडियो पोकेमॉन की टॉपिक पर, जिसका नाम है टॉप 5 ग्रास टाइप पोकेमॉन। मैंने पहले भी 5 घोस्ट टाइप पोकेमॉन के बारे में एक डिस्कस वीडियो बनाई थी, वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, लिंक दी हुई, आप देख लीजिएगा। बिना वक्त बर्बाद करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 5, सेप्टाइल। सेप्टाइल पोकेमॉन देखने को मिला था हम लोगों को होएन रीजन में। ये पोकेमॉन बहुत ही पावरफुल है और पॉपुलर पोकेमॉन भी है। ये पोकेमॉन ऐश के पास था होएन रीजन में। हमने देखा है इसको डार्कराई को हराते हुए, एपिसोड में देखा है हमने डार्कराई को, इसने हराया है। और इसके पास एक अमेजिंग चीज़ है जो है मेगा एवोल्यूशन। और इसके पास मेगा एवोल्यूशन आने के बाद एक आइकॉनिक टाइपिंग हो जाती है उसकी, जो है ग्रास एंड ड्रैगन टाइप। और ये टाइप बहुत ही आइकॉनिक है, इस वजह से ये बहुत ही पावरफुल पोकेमॉन बन जाते हैं। इसके बेस स्टेट्स भी बहुत अच्छे खासे हैं, मेगा एवोल्यूशन होने के बाद और भी अच्छे खासे बेस स्टेट्स और मूव सेट मिल जाते हैं इसको, इसलिए ये पोकेमॉन नंबर 5 की जगह होल्ड करते हैं। नंबर 4, टापू बुलू। टापू बुलू हम लोगों को देखने को मिलता है अल्लाह रीजन में, और ये बहुत पावरफुल पोकेमॉन है। और इसके साथ ये एक बहुत ही अच्छा पोकेमॉन भी है, ग्रास टाइप पोकेमॉन है। इसके बेस स्टेट भी बहुत अच्छे खासे हैं, मूव सेट भी अच्छे खासे हैं, इस वजह से ये बहुत पावरफुल पोकेमॉन है, इसलिए ये नंबर 4 की पोजीशन होल्ड करता है। नंबर 3, काटाना एक ग्रास टाइप अल्ट्रा बीस्ट पोकेमॉन है। इसके बाद बहुत अच्छे खासा मूव सेट है और इसके बेस स्टेट भी काफ़ी अच्छे खासे हैं, और पावरफुल पोकेमॉन तो है ही, ये कोई शक नहीं, इसलिए ये पोकेमॉन नंबर 3 की पोजीशन होल्ड करता है। नंबर 2, शेमिन। ये शेमिन पोकेमॉन बहुत ही खास पोकेमॉन है। ये पोकेमॉन हमको गिरेटिना वाले मूवी में देखने को मिले थे, गिरेटिना एंड द स्काई वॉरियर। इसमें शेमिन को दो फॉर्म दिखाया गया था, एक था स्काई फॉर्म, एक था लैंड फॉर्म। और ये पावरफुल पोकेमॉन हम बोल सकते हैं, बहुत ही पावरफुल पोकेमॉन बोल सकते हैं, क्योंकि इसने उस मूवी में सच में धमाल मजा कर रखा था। उसके स्काई फॉर्म में अच्छी, बहुत अच्छी धमाल मजा कर रखा था। और ये एक बहुत पावरफुल पोकेमॉन के साथ साथ पॉपुलर भी पोकेमॉन है, इसलिए ये नंबर 2 की पोजीशन होल्ड करता है। नंबर 1, सेलबी। सेलबी की बात की जाए तो ये बहुत तगड़ा पोकेमॉन है। इसके पास टाइम को मैनिपुलेट करने की पावर है, जो पावर डियाल्गा होल्ड करता है। और इसने तो मूवी में पूरा जंगल को अपने हेल्प के लिए बुला लिया था, हमने मूवीज़ में देखा ही है इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज़, इसलिए नंबर 1 की पोजीशन होल्ड करते हैं, क्योंकि मिथिकल पोकेमॉन है, पावरफुल पोकेमॉन भी है। तो आज के लिए वीडियो इतना ही गाइज, आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आज के लिए गुड बाय, टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।